जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया आप लोग देख रहे हैं पाठ का नाम। इस पाठ को लिखा है अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह जी ने चिट्ठी क्या है, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, फिल्मों में गाने होंगे, बॉर्डर फिल्म का गाना है संदेश आते हैं हमें कर पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, और एक फिल्म नाम है उसका गाना है चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को यार वतन की मिट्टी आई है, ऐसे एक फिल्म है देवर की उसमें आता है चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चलिए इसका मतलब ये हुआ चिट्ठी का बड़ा महत्व होता है, चिट्ठी के बड़ी बड़ी फिल्मों में इतने अच्छे गाने गाए गए हैं, तो चिट्ठी अलग हो चिट्ठी होता क्या है, कौन कौन जानता है आप चिट्ठी क्या होता है, क्या जानते हो, बिल्कुल जानते होंगे, एप्लीकेशन जिसको में लिखते ही हो ना वो चिट्ठी है, आप अपने मित्र को लिखते हो अपने, अरे वो आपका जमाना अलग एडवांस जमाना है, आपको मोबाइल है फटाफट आपने मैसेज टाइप किया भेज दिया पहुंच गया, आज भी लोग फोन करने से ज्यादा मैसेज भेजने उनको अच्छा लगता है क्योंकि मैसेज भेजने में ये फायदा होता है आप सिर्फ अपनी बात बोलते हो, हाँ अगला अगर कुछ लिखकर भेजता है तो फिर आप जी भर के उसको जो भी लिखना है लिख के भेज देते हो, ठीक है ना, बड़ा फर्क होता है भैया मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, इनसे छोटी छोटी बातों का बड़ा फर्क पड़ता है। सॉरी हो सकता है आवाज क्लियर ना हो लेकिन होगी क्लियर, बहुत हाईटेक माइक है पकड़ती है आवाज हर तरह से। क्या कह रहे हैं कि चिट्ठी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, चिट्ठी की दुनिया में इन्होंने लिखा है पत्रों की दुनिया बड़ी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है, आज भी यार बिना चिट्ठी के काम नहीं चलने वाला, बड़े बड़े सरकारी आदेश चिट्ठी में ही आते हैं, ठीक है ना, लिखित, यद्यपि आज जमाना एडवांस है इनके वाले भेजे उस मशीन से फैक्स मशीन से यहाँ आ गया यहाँ से बाहर हो गया सिग्नेचर हो गया तो मतलब पक्का हो गया, ठीक है ना, वहां टाइप किए यहाँ आ गए लेकिन है तो चिट्ठी ही है, तो चिट्ठी ही पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता, जैसे पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस के संदेश कहाँ दे सकता है, पत्र आप फुर्सत से बैठ के लिखते हो और सारी चीजें लिख डालते हो और अंत में क्या लिखते हो, पहले के जमाने में क्या लिखा जाता था, थोड़ा लिखना ज्यादा समझना, लेकिन चिट्ठियों को पढ़ते समय ऐसा लगता था कि जिसने चिट्ठी लिखी है उसका चेहरा दिखाई पड़ता है वो बोल रहा है अपने मुंह से, ऐसा कुछ फील होता है, ठीक है। पत्र का नया सिलसिला शुरू करते हैं, राजनीति साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद एवं नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं, दुनिया की तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है भले उसका नाम अलग अलग हो, पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है, ठीक है ना, अलग अलग भाषाओं में हमने आपको बताया पत्र को क्या कहते हैं, मैंने कहा था उर्दू में क्या कहते हैं खत, क्या कहते हैं खत, संस्कृत में क्या कहते हैं पत्र, क्या कहते हैं पत्र, कन्नड़ में कहते हैं कागद, क्या कहते हैं कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, समझ गए ना आप लोग, पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, इनमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पन्नों पर अपना दायरा, मैंने बच्चों बचपन में जो पत्र मिलते थे उनका संग्रह कर रखा है, हो सकता है किसी वीडियो में आपको दिखाऊं या ना दिखाऊं वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दिखाऊंगा, इनका अलग शौक होता है, मित्रों के पत्र आते थे इकट्ठा करके रख लिया एक जगह, आज भी उन पत्रों को पढ़ते हैं तो बचपन के दिन आ जाते हैं कि अविनाश ने पत्र लिखा प्रिय अखंड ऐसा 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 मैंने यहाँ जाकर ये चीज़ें देखी, जैसे वो कहीं गया कहीं शिफ्ट हो गया, अलग मित्र होते हैं ना
उनके पिता की नौकरी जहाँ लगती है वहीं काम करते हैं, वहीं पढ़ते हैं, तो जहाँ पत्र का पिता का ट्रांसफ़र हुआ फिर वहाँ से आपके एड्रेस पे चिट्ठी लिखते हैं। तो चिट्ठियाँ जो है बचपन में आपको मिली हुई हैं वो आपकी ताउम्र पूरी उम्र जो है आपके साथ बनी रहती हैं, ठीक है ना। आज जब भी उसको पढ़ते हो उसी फीलिंग के साथ पढ़ते हो, तो पत्र जो है फीलिंग जिंदा रखते हैं, आपको बता दें बहुत बेहतर तरीके से। हाँ, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला, और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर के रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशने तमाम ठिकानों तक पहुंच जाते। कभी भी आप पोस्ट ऑफिस जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लेटर, पत्रों की वास्तविक भूमिका क्या होती है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। मतलब आज की डेट में भी 4.5 करोड़ चिट्ठियां डेली, SMS का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, तरह तरह की, लेकिन भाई चिट्ठियों की तो अपनी दुनिया है, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे मतलब रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं, उसके बाद पहिए आए। पहले जमाने में क्या था, संदेश वाहक जाता था, संदेश लेकर के ऐसे ऐसे जा रहे हो तो कह देना है। फिर सामान्य भाषा में कह दें कि जब कोई किसी और के गांव में जाता, जैसे एक ही गांव में 3-4 लड़कियों की शादी हुई है, पता चलता था कोई अपनी बहन से मिलने, कोई अपनी बिटिया से मिलने जा रहा है, उस गांव में जितने लोगों की शादी हुई रहती है, जितनी लड़कियों की, उनके बाप और भाई आ जाते हैं, ये चीज़ दीदी के पास पहुँचा देना, ये मैसेज पहुँचा देना, ये चीज़ें कह देना, ठीक है ना। जनरली आप लोग समझ रहे हो ना, उसको हरकारे नहीं कहेंगे, लेकिन वो उसी टाइप का होता था कि अपनी बात पहुंचा दी जाती थी। फिर पहिए आ गए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति में संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार क्या होता था, यहाँ छापे वहां निकला, यानी कि रास्ते का सफर खत्म। तार ने रेलों से भी तेज गति संवाद पहुंचाने का सिलसिला किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला के रूप में ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा में देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का भी विषय शामिल किया जाता है। आप लोग लिखते हो ना पत्र, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें आप अपने जहाँ गए हो वहाँ के बारे में भी आप लोग उनको बता सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे भारत ही नहीं दुनिया कई देशों में प्रयास चले, और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला 1972 से ही शुरू किया गया। आज भी बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती है पत्र लेखन की, सबसे अच्छा पत्र लिखता कौन है। यह सही है कि खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। पता है आपको, कागज महत्वपूर्ण होता है, कागज मतलब पत्र महत्वपूर्ण होता है। पत्र पर लिखी हुई बात को अंतिम मानी जाती है। आपने कोई SMS किया, अगले ने कहा देखिए आपने SMS भेजा, उसने कहा नहीं मैंने नहीं भेजा, मेरी मोबाइल से किसी और ने भेजा है, बात खत्म। चिट्ठी आ गई, चिट्ठी में स्पष्ट आपका सिग्नेचर वगैरह रहता है या फिर एड्रेस हाउस जो भी होता है, तो उससे एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि नहीं नहीं चिट्ठी आप ही की है, आदेश आप ही का है। कोई बवाल उठता है तो उसी चिट्ठी को दिखाया जाता है। तो भाई चिट्ठियों के महत्व को मोबाइल फ़ोन कभी पा ही नहीं सकता, आज नहीं आज से हजारों साल बाद भी। आप लोग समझ रहे हैं ना अच्छी तरह से। तो इसीलिए जगह जगह पे पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन होता, ताकि पत्र लेखन की जो विधि है, जो कला है, कहीं मरने ना पाए। आपको बताया मैंने ना, आज भी भारत में डेली 4.5 करोड़ पत्र जारी होते हैं, डेली 4.5 करोड़ पत्र, हल्का बात नहीं है इस मोबाइल की इंटरनेट की दुनिया में। पर उनका अपना महत्व, अधिकारी के लिए पत्र लिखना अनिवार्य है, अलग मुद्दा है कि अधिकारी वहां पत्र लिखता है, वहां साइन करता है, तुरंत एक सेकंड के अंदर किसी और फैक्स मशीन से वो बाहर आ जाता है, लेकिन होता क्या है, वो पत्र ही होता है। फैक्स, ईमेल था, टेलीफोन ने चिट्ठा, तो मैंने कहा जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतजार ना किया। पत्र भैया
फीलिंग पैदा करते हैं। आप फोन पे लाख बातें कर लो, आप चैटिंग कर लो, आप SMS अपने दोस्त को भेज लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर एक चिट्ठी भेज दिया, फीलिंग जुड़ जाती है हार्ट की। अरे मेरे दोस्त ने बताया ना कि बचपन में मैंने अपनी चिट्ठियाँ बहुत सुरक्षित रखी हैं। जैसे हमारे साथ कुछ साथी पढ़ते थे, उनके पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ तो वो अगले शहर में चले गए, तो वहाँ तक इतना एडवांस ज़माना नहीं था, लैंडलाइन वाइन भी बहुत महंगी हुआ करती थी, 2 रुपये कॉल पड़ता था हमारे ज़माने में। तो उस ज़माने में जब 2 रुपये कमाना मुश्किल था, तब 2 रुपये फ़ोन का लगता था। वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता कि उसने चिट्ठी लिखा, प्रिय अखंड, मेरे पिताजी का तबादला शिमला शहर में हो गया, मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ बड़े बड़े पहाड़ देखे, ये देखे। वो नहीं, आज भी मैं उन चिट्ठियों को उठाता हूँ जिनको हमारे कक्षा 6-7 में पढ़ते समय भेजा गया है, तो विश्वास करिए मैं उसी दुनिया में उसी क्लास में पहुँच जाता हूँ उतने पल के लिए, जिसे आप क्या कहते हो, फीलिंग। और ये भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप लोग बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े लोगों से पूछ लीजिए, सबको ने, सबने किसी न किसी को और किसी न किसी ने उनको पत्र जरूर लिखा था। वो पत्र किसी भी टाइप का हो सकता है, उसमें बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो हम अपने कैमरा मैन से ही पूछ लेते हैं, भैया क्या आपको भी कभी किसी ने पत्र लिखा है? नहीं, ये तो नहीं कह रहे हैं। आपने किसी को पत्र लिखा है? पत्र का मतलब मित्र ही तो मैंने बताया ना, किसी अलग फीलिंग के साथ। उन्होंने हाँ कहा इस बार, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हम क्या चाहते बताना चाहते हैं, अगर आप बारीकी से इसकी ताह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा ना। हमारे सैनिक तो पत्रों की जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसका कोई मिसाल नहीं। आपने देखा ना वो फिल्म कौन सी है, बॉर्डर, कौन सा फिल्म गाना है, संदेश से आते हैं, सुना है ना। मतलब उनके पास क्यों मैसेज आ सकते हैं, फोन कॉल वगैरह। तो अभी आपने हाल ही में कुछ समय पहले सुना होगा, मोबाइल के चलते लोकेशन मिल गई थी और पुलवामा हत्याकांड हो गया था, भारी मात्रा में सैनिक मरवा दिए गए थे। तो मोबाइल वगैरह ज्यादा अलाउ रही है क्योंकि उससे लोकेशन मिल जाती है, ठीक है ना। हाँ, जो वो मोबाइल यूज करते हैं मतलब फौज वाले, उनकी अलग फ्रिक्वेंसी होती है, वो जल्दी पकड़ में नहीं आती, उससे लोकेशन वोकेशन ट्रेस नहीं होता है। वो नॉन ट्रैकर मोबाइल होते हैं, नॉन ट्रैकर वायरलेस होते हैं, उनको ट्रैक नहीं किया सकता। लेकिन सामान्य मोबाइल जो हम आप यूज करते हैं, अगर हमारा कोई सैनिक है उसके पास वही मोबाइल है, तो उससे ट्रैक हो जाता है कि आदमी कहाँ खड़ा है, इसी स्थान पर बम गिराओ, इसी स्थान पर गाड़ी रोको, ये लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो हमारे सैनिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। आप लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज में और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश के ऐसे लोग कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी व किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते हुए पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेश को आप जल्दी ही भूल जाते हैं, डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। आपको पता है आधे इतिहास की जानकारी पत्र ही देते हैं। पत्रों की अलग दुनिया है, ठीक है ना। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। मैंने बताया ना कि इतिहास को भी जानने का बहुत बड़ा साधन है। पत्रों के माध्यम से उस समय की भाषा शैली आदि का पता चलता है। ठीक है, भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वो आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए, क्योंकि वो सही स्थिति लिखते थे। हम इस स्थिति में हैं, हमें लड़ाई में जाना है, तो वो जब स्थिति बताते थे तो उससे उस समय की वास्तविक स्थिति का पता चलता था। इसलिए कि वो अपने परिवार से कोई झूठ नहीं बोलता है, ठीक है ना। मोस्टली सत्ता के करीब बातें लिखी जाती हैं, सत्य ही लिखी जाती हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र की ओर महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी जाते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। सोचिए, महात्मा गांधी का नाम, पता, एड्रेस नहीं लिखा जाता था, लिखा जाता था टू महात्मा गांधी इंडिया, और इंडियन पत्र आता था, तो पत्र को जिसका हम जिसके पास पहुंचता था वो महात्मा गांधी जहां भी रहते थे वहां तक पहुंचाता था। क्यों? इंडिया के सिंबल थे महात्मा गांधी। व्यक्तिगत रूप से कौन क्या विचारधारा रखता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ इस शब्द को महत्व देना आपके लिए अनिवार्यता होगी। आज़ादी के आंदोलन के कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ ऐसा ही होता था। गांधी जी के पास देश दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे।
पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वो उसका जवाब भी लिख देते थे, अपने हाथों से ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। मतलब इसी प्रकार से आप पढ़ते जाएंगे तो ये है पत्रों का जादू। यही नहीं, पन्नों के आधार पर, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं के ना जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। पत्रों को देख करके सही स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और भी अन्य प्रकार की कंडीशंस के बारे में स्पष्ट पता चलता था। उन्हीं को बेस बना के उस समय के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, ठीक है ना। अभी हम आते हैं एक महान विद्वान रविन्द्रनाथ टैगोर की तरफ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच में पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसकी असली विकास आजादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़ी झोपड़ पट्टियों में रहने वाले लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच में रह रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देव दूत के रूप में देखा जाता है। तो आपको बता दें, चिट्ठियों का कभी कोई महत्व कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चिट्ठी की अलग दुनिया है। आप भी किसी मित्र को चिट्ठी लिखकर भेजिए, फोन करिए, एसएमएस करिए, देखिए क्या फर्क पड़ता है। वो भी आपको चिट्ठी वापस लिखकर भेजेगा। उसने मतलब चिट्ठी मतलब होता सामने खड़ा है, फोन मतलब केवल आवाज आ रही है, इसमें मतलब केवल आप देख रहे हो, लेकिन चिट्ठी के साथ ना हार्टली फीलिंग जुड़ी हुई होती है। ये थी चिट्ठियों की दुनिया, चिट्ठियों का महत्व। मेरे ख्याल से आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम प्रश्न अभ्यास देखेंगे, इस पूरे चैप्टर से जुड़े सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। अगले वीडियो तक आप लोग वेट कर सकते हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, अगर उपलब्ध होगा तो, नहीं तो धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएगा। अगर एक बार आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना मत भूला करिए, ठीक है ना। तो बोल दिए भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।